नमस्कार, मैं अनिल गुप्ता राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिकी विभाग से। पिछले 4-5 बरस के विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्रों को देखने पर ध्यान हुआ, कुछ छोटे छोटे पद परीक्षा में पूछे गए हैं, जिसको हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कह सकते हैं। एक पद है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? हम जानते हैं, जब कभी कोई आवेश होता है तो वो अपने चारों ओर एक इस प्रकार का क्षेत्र अनुभव करता है कि यदि उस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश प्रवेश करे तो दूसरे आवेश के प्रवेश करने पर इस क्षेत्र के द्वारा उस पर एक अन्योन क्रिया होती है, उस पर एक एक्शन होगा, दूसरा आवेश प्रथम आवेश की उपस्थिति का अनुभव करता है। प्रथम आवेश के कारण एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसमें कि किसी अन्य आवेश के आने पर वह एक बल अनुभव करता है, एक इंट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है और प्रथम आवेश की उपस्थिति का वह अनुभव करता है। अतः वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार यदि बल का अनुभव करे तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश या आवेशित कण पर जो बल लगेगा, हम उसको इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल कहते हैं। यह बल जो भी कण की पोजीशन होगी उसका फंक्शन होगा, कण की स्थिति का फलन होगा। खास बात क्या है कि यह उसके वेग पर निर्भर नहीं करेगा। हम जब आगे तृतीय इकाई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि आवेश के गतिमान होने पर एक क्षेत्र और उत्पन्न होता है, जिनका कि विस्तार से हम चुंबकीय क्षेत्र के रूप में अध्ययन करेंगे, और लॉरेंज क्षेत्र, लॉरेंज फोर्स को हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के योग से दिखलाएंगे। ये भी ध्यान रहे कि विद्युत क्षेत्र एक वेक्टर फील्ड होगा, यह एक सदिश क्षेत्र होता है। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित करना चाहें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? जैसा कल के व्याख्यान में हमने बताया था, वेक्टर E इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू जीरो अप्रोच जीरो एफ वाई क्यू जीरो। यदि क्यू जीरो जो टेस्ट चार्ज है उसका मान एकांक है, तब वेक्टर E बराबर वेक्टर F होगा। क्या मतलब हुआ? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धन आवेश पर जो कुछ बल लगेगा, लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, जैसा कि मैंने इस गणितीय संबंध के द्वारा समझाने का प्रयास भी किया है। और ध्यान रहे कि यह एक सदिश राशि होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए किसी सेक्शन में परिमाण तथा दिशा में प्रत्येक बिंदु पर समान हो, परिमाण में भी, मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में भी प्रत्येक बिंदु पर समान है, और यदि ऐसा है तो फिर हम उस क्षेत्र को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूपी विद्युत क्षेत्र कहेंगे। हमको ध्यान आता है जैसे कि कोई समांतर चालक है, समांतर चालक में जब विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं मिलेंगी, हमने पिछली कक्षा में ऐसा सीखा हुआ है,
समांतर चालक है, उनके बीच में मान लीजिए हम उसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, और बैटरी से कनेक्ट करने पर जो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं मिलेंगी वो समांतर मिलती हैं, समान दूरी पर होती हैं, तो मैग्नीट्यूड समान हो गया, डायरेक्शन समान हो गई, और उस केस में जो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा वह कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, समरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंटेश करने के लिए, व्यक्त करने के लिए कुछ काल्पनिक बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? कि बल रेखा के किसी बिंदु पर टेंजेंट खींचा जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए, तो जो स्पर्श रेखा होगी वह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगी। साथ ही साथ बल रेखाओं की संख्या इस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि बल रेखाओं की लंबत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के अनुक्रमानुपाती हो। इस प्रकार समरूपी विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर होंगी तथा बराबर दूरी पर होती हैं, जबकि यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूपी के बजाय असमरूपी विद्युत क्षेत्र है, तब उसमें बल रेखाओं के मध्य की जो दूरी होगी वह बराबर नहीं होगी और उनकी दिशा भी समान नहीं होती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो मैंने पिछले 4-5 बरस के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में पाया है। इनके आधार पर कुछ अभ्यास करते हैं। मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र में 15 माइक्रो कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो आवेश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। हमको क्या दे रखा है? विद्युत क्षेत्र में जो आवेश का मान है वो 15 माइक्रो कूलम है, और जो फोर्स कार्य कर रहा है वह 2.25 न्यूटन का है, और हमसे पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें। हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से जानते हैं कि प्रति एकांक धन आवेश पर जो भी बल का मान होगा वह बल का मान ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में प्रकट होगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=FQ0, F का मान रख दिया और Q 15 माइक्रो कूलम है, हम इसको 10^-6 से मल्टीपल करते हैं, तो माइक्रो कूलम को हमने कूलम में एक्सप्रेस कर लिया है, और इस प्रकार से मुझे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वो 1.5×10^5 न्यूटन पर कूलम मिल गई है। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम जिसे हल किया है कि मान लीजिएगा कोई समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के जो आधार है, जिसको कि मैंने चित्र में बी और सी दिखाया है, बी और सी पर -Q+Q आवेश स्थित है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये अच्छा चित्र में ये उल्टा लिखने में आ गया है, माइनस क्यू को प्लस क्यू माना जाए, प्लस को माइनस माना जाए, तब क्या पूछा है कि जो शीर्ष बिंदु है उस शीर्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। दोबारा इस प्रॉब्लम को देखिए, अच्छा प्रॉब्लम। एक संभाव्य त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई a मीटर है, इसके आधार के बिंदुओं पर प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश स्थित है, तब शीर्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इसे मैंने चित्र में इस प्रकार से दिखाया है, देखिएगा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह E1 द्वारा दिखाई गई है, और इसकी जो दिशा है वो BA में दिखाई गई है। बिंदु सी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, माइनस क्यू आवेश होने के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और इसकी डायरेक्शन को चित्र में हमने AC के द्वारा दिखाया गया है, AC दिशा में दिखाया गया है। अब हम बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो वेक्टर E1 और E2 का जोड़ होगी, लेकिन ध्यान रहे कि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड समान हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड उनके समान हैं।
तो हम बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, E1 और E2 को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, हम BC के समांतर और लंबत इनके घटक ज्ञात करते हैं। जरा चित्र पर ध्यान से देखें, जब हम E1 और E2 के कंपोनेंट ज्ञात करेंगे तो BC के समांतर जो कंपोनेंट आएगा E1 का, वह होगा E1 cos 60 और E2 का बनेगा E2 cos 60। दोनों की दिशा एक ही होगी, परिणाम स्वरूप दोनों कंपोनेंट को हम जोड़ सकेंगे, जुड़ जाएंगे। परंतु जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ए बिंदु पर विपरीत दिशा में होगा, एक उत्तरी दिशा में होगा, एक दक्षिणी दिशा में होगा, और चूंकि उनके मैग्नीट्यूड के मान समान हैं अतः इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नष्ट कर देंगे, रद्द कर देंगे, और इफेक्टिवली जो मान मिलेगा वह केवल पैरेलल कंपोनेंट से मिलेगा, और पैरेलल कंपोनेंट का जो मान होगा वह मान कितना हो गया, E1 cos 60 प्लस E2 cos 60। cos 60 का मान हमको मालूम है 1/2 होता है, इसलिए E1 cos 60 मीन्स 1/2 प्लस E2 cos 60, cos 60 मीन्स 1/2। E1 और E2 के मैग्नीट्यूड समान हैं और E का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वह होगा KQ/R², यहाँ पर जो दूरी दे रखी है वो A दे रखी है, इसलिए ये हो गया KQ/A² 1/2 प्लस 1/2। इट मीन्स एक जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई वो KQ/A² हो गई, और इसकी जो दिशा होगी वह दिशा, वह डायरेक्शन BC के पैरेलल होगी, जिसको कि चित्र में मैंने वर्टेक्स A बिंदु पर कैपिटल E के द्वारा दर्शाया है। धन्यवाद।